तो नमस्कार, आपका स्वागत है नवाबों के शहर लखनऊ में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं रूमी गेट है, रूमी दरवाज़ा है। यहाँ पर हम आप लोगों को इसके इतिहास के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग दर्शक कमेंट करके हमसे ये कह रहे थे कि रूमी गेट के बारे में आप कुछ बताइए, लखनऊ से हैं आप, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है उसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम रूमी गेट के बारे में आप लोगों को बताएंगे, इसकी बनावट और जो इसका इतिहास है इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। रूमी दरवाजे को तुर्किश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 13वीं शताब्दी के महान सूफी फकीर जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के नाम से पड़ा था। इस 60 फुट के ऊंचे दरवाजे को सन 1784 में नवाब आसफ़ुद्दौला के द्वारा बनवाया गया था। यह द्वार अवधी शैली का एक नायाब नमूना है और इसे लखनऊ शहर का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। रूमी गेट के ऊपर नवाबों के युग में एक लैंप रखी गई थी, जो उस युग में रात के अंधेरे में रोशनी प्रदान करती थी, यानी कि उस रोड पे आने जाने वालों को रात के वक्त उजाला मिलता था। यह जगह और भी लुभावनी हो जाती है जब इस द्वार पर बनी मेहराबों के पास से में लगे सुंदर से फवारों से कली के आकार में पानी गिरता है। इस दरवाजे के प्रसिद्ध बनाने के लिए सबसे असल श्रद्धांजलि रसेल को दी जानी चाहिए। वह न्यूयॉर्क टाइम्स संवाददाता थे और उन्होंने 1858 में लखनऊ की छावनी को ब्रिटिश सेना के प्रविष्ट कवर पर छापा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रूमी दरवाजा से 76 मंजिल तक का रास्ता सबसे खूबसूरत और शानदार, जो लंदन, रोम, पेरिस से भी बेहतर दिखता है। तो ये तो हमारे रूमी दरवाजे की जो हिस्ट्री थी वो मैंने आप लोगों को बताई। बाकी अगली बार हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर बड़े इमामबाड़े को, और बड़े इमामबाड़े के अंदर भूल भुलैया और जो तमाम सारी जो चीज़ें हैं उन सबको हम इस चैनल पर दिखलाएंगे, बतलाएंगे। तो आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करके शेयर करें।